हेलो एवरीवन, आज है 14 तारीख और जो आज के करंट अफेयर के टॉपिक हैं उनकी जो कंटेंट है वो है यहाँ पे। ठीक है, ये बेसिकली अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर से लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, इन सभी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल होते हैं वहीं से लेके फिर इनको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है। तो जो आज के टॉपिक्स रहेंगे वो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जो अभी रिसेंट में गया है, और मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट्री रिपोर्ट, एक ये नई रिपोर्ट निकल के आई है, तो इसके अंदर क्या कुछ बताया गया है उस चीज़ के बारे में देखेंगे। इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज, इस विलेज की हिस्ट्री क्या है और ये पहला ऐसा कैसे बन गया। ठीक है, सारा का सारा कुछ इस चैप्टर के इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा, वो रहेगा यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन अंडर सेक्रेटरी जनरल, द नंबर ऑफ फेटलिटीज अमॉन्ग द यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेज इन डायरेक्ट अटैक्स इज ग्रोइंग। कि भाई जो अभी जितनी फेटलिटीज है, जितने भी इंसिडेंट हो रहे हैं ना अभी, जो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज है उनके जो क्या है ना ऑफिसर्स हैं, सोल्जर्स हैं, उन पे अभी क्या है ना ज़्यादा से ज़्यादा अटैक होना स्टार्ट हो गए हैं। स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट फॉर द बेटर ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट वर हाईलाइटेड। कि भाई उनकी ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी और उनके जो इक्विपमेंट है अभी क्या है ना उनको और हाईलाइट करना पड़ेगा, हमको उनमें और सुधार करना पड़ेगा, तब जाके ये अपना काम प्रॉपरली कर पाएंगे। यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज हैं क्या? When the United Nations Security Council approved the deployment of United Nations military observers to the Middle East in 1948, कि भाई UNSC ने जब United Nations military की जो deployment की approval किया था ना, जारी approval जारी कर दिया था कि भाई United Nations military को आप Middle East के अंदर तैनात कर दो 1948 में, क्योंकि वहाँ पर हालात है ना काफ़ी ख़राब होते जा रहे थे, तो उस टाइम पर इनका गठन हुआ था। और उस टाइम पे क्या बोला गया था फिर इनको, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस। यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस एड नेशंस इन नेगोशिएटिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम वार टू पीस। ये एक तरह से नेगोशिएट करते हैं, अगर किसी देश के अंदर वार छिड़ी हुई हो तो वहाँ के लोगों की हेल्प भी करते हैं जाके। ठीक है, हर तरह से खाना पीना पहुँचाना और जो भी भाई जहाँ पे भी जो भी मुद्दा है लड़ाई का, तो ये उसके अंदर मध्यस्थता करके ट्राई करते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी रिजोल्व करवाया जाए और वहाँ पे पीस हो जाए फिर से, मतलब किसी भी तरह की कोई लड़ाई दंगा ना हो। टू कैरी आउट सेवरल मिशंस अप्रूव्ड बाय द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इट डिप्लॉय सोल्जर्स एंड पुलिस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड कम्बाइंस देम विद सिविलियन पीस कीपर्स। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर किसी चौथे पांचवें देश के अंदर युद्ध छिड़ा हुआ हो तो कोई अपने सैनिक वहाँ पे नहीं भेजेगा। ठीक है, कोई एक नेशन तो नहीं भेजेगा कि चलो हम हमारे सैनिक वहाँ पे भेजेंगे, और ना ही कोई जाएगा ऐसे कि भाई हमारे देश की लड़ाई नहीं और चौथे देश के लिए हम मरने वहाँ पे क्यों जाएंगे, है ना। तो इसलिए यूनाइटेड नेशन जो काउंसिल है इसके जितनी भी मेंबर कंट्री हैं तो वो डिसाइड, उनने सबने डिसाइड किया कि हाँ भाई हर एक कंट्री से कुछ सोल्जर्स और पुलिस वगैरह को क्या है ना इनके अंदर तैनात किया जाएगा, इनके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ताकि ये वहाँ पे जाके ऐसे ही सिचुएशंस में, ऐसे एरियाज़ में जाके सर्व कर सके, हेल्प कर सके। और जो इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपिंग इज सेलिब्रेटेड ऑन 29th में एवरी ईयर। अब 29 मई को तो बनाया जाता है, लेकिन अभी इसका जिक्र क्यों था, क्योंकि भाई क्या है ना इनके ऊपर अटैक्स ज़्यादा बढ़ने लग गए थे। वैसे पहले होता नहीं था कि इनके ऊपर कोई अटैक करता था, इनकी कैप होती है ब्लू कलर की, जिसका खुद में एक मीनिंग है कि पीस, शांति, है ना। तो इसके ऊपर पहले इतने अटैक्स नहीं होते थे, लेकिन जो आज का टाइम है ना, आज सब कुछ चीज़ें बदलती जा रही हैं, आज इन पर काफ़ी तरह के अटैक होते जा रहे हैं। 2022 का थीम क्या था? पीपल, पीस और प्रोग्रेस, द पावर ऑफ पार्टनरशिप, इंडिया और यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेज। तो भाई भारत का और इनका क्या रिश्ता है वो देखते हैं। इंडिया इज़ अमॉन्ग द नेशन दैट सेंड द मोस्ट ट्रूप्स टू द यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेज। कि भाई इंडिया उन नेशन में से है जिसमें से सबसे ज़्यादा सिपाही यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्सेज के अंदर शामिल होते हैं, जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज़ द सेकेंड हाईएस्ट मिलिट्री एंड फिफ्थ हाईएस्ट पुलिस कंट्रीब्यूटिंग कंट्री टू यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइजिंग मिशन इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो जब ये वाला मिशन हुआ था ना,
MONUSCO, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो उस टाइम पे इंडिया सबसे सेकंड हाईएस्ट जो मिलिट्री मतलब सोल्जर्स भेजने वाले इंडिया के लोग रहे थे, मतलब इंडिया कंट्री एज ए कंट्री रहा था। और जो फिफ्थ हाईएस्ट पुलिस है वो भी हमारे देश से ही कंट्रीब्यूट हुई थी वहाँ पे। ओवर 260,000 इंडियंस हैव सर्वड इन 49 यूएन पीस कीपिंग मिशंस सिंस 1948 से लेके अब तक जितने भी 49 यूएन के पीस कीपिंग मिशन हुए, जिसके अंदर भारत के 260,000 सोल्जर्स ने लोगों ने वहाँ पे मदद की है, वहाँ पे अपना वहाँ पे जाके सर्व किया है। 2007 के अंदर इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू डिप्लॉय एन ऑल वुमेन कंटिंजेंट टू अ यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन। 2007 में भारत पहला ऐसा कंट्री बन गया जो पूरी की पूरी जो उस टाइम की जो फोर्स इन्होंने भेजी थी वहाँ पे यूएन पीस कीपिंग के लिए मिशन के लिए, उसमें सारी की सारी क्या थी, महिलाएं थी। इन लास्ट सिक्स डिकेड्स, पिछले छः जो दशक गए हैं, ठीक है, उसमें 179 इंडियन सोल्जर्स हैव डाइड इन यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन। और ये सबसे ज़्यादा डेथ टोल है किसी नेशन के लिए, किसी देश के लिए, अमंग ब्लू हेलमेट्स, कि भाई जो ये पीस कीपिंग फोर्सेस में मिशंस में जितने भी सैनिक जाते हैं ना अलग अलग देशों के, इसमें से सबसे ज़्यादा मरने वाले कौन से देश से बिलोंग करते हैं, वो भी हमारे ही देश से बिलोंग करते हैं। ब्लू हेलमेट्स आर द मिलिट्री पर्सनल ऑफ अ यूएन दैट वर्क अलोंगसाइड द यूएन पुलिस एंड सिविलियन कोलीग टू प्रमोट स्टेबिलिटी सिक्योरिटी एंड पीस प्रोग्रेस, कि भाई ये वो मिलिट्री पर्सन होते हैं, वो सोल्जर्स होते हैं जो यूएन पुलिस के साथ में मिलके और जो वहाँ की लोकल पुलिस है उसके साथ में मिलके क्या है ना उस एरिया के अंदर स्टेबिलिटी सिक्योरिटी और पीस की प्रोसेस को बढ़ाता है, कि भाई वहाँ का जो सिचुएशन है ना वो कंट्रोल में आ जाए, किसी के साथ कोई गलत काम ना हो। What are the most probable reason for the fatalities? कि भाई सबसे ज़्यादा रीज़न क्या है ऐसे, मतलब जो ये डेथ काउंट जो बढ़ता जा रहा है और जो ये अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं उनका रीज़न क्या है? The atmosphere in which peacekeeping operations are taking place is getting worse from both a political and security point of view. अब क्या है ना, जो सिचुएशन आप डे बाई डे है ना, जितने भी टेररिस्ट हैं, जो भी ऐसी सिचुएशन है, जो भी ऐसे एरियाज है जहाँ पे ये ऑपरेशन के लिए जाते हैं, तो सीधी सी बात है वहाँ पे डायरेक्ट एनकाउंटर होते हैं, ठीक है, मतलब आमना सामना भी हो जाता है टेररिस्ट के साथ में। तो अब क्या है ना, वो भी हाईटेक वेपन्स के साथ में रहते हैं, अब पहले जैसी सिचुएशंस नहीं रही है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ सब लोग एडवांस हो गए, तो इस वजह से हर तरह से इनके ऊपर खतरा मंडराता रहता है। Many operations, especially large operations like those in Africa, engages soldiers against criminal and terrorist organization who prefer turmoil over peace and stability. कि भाई अफ्रीका जैसी जगहों पर जहाँ पर क्रिमिनल और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा है, वो क्या करती है, वो पीस की बजाय है ना डायरेक्ट गोलियाँ चलाना और एक तरह से एंगेज करने में ज़्यादा भरोसा रखते हैं, ठीक है, तो वो भी रीज़न है कि भाई यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन पर अटैक हो रहे हैं। How can these fatality be control? इनको control कैसे किया जा सकता है, सीधी सी बात है कि भाई इनको अच्छे से training दी जाए और इनके पास जो weaponry है उनको भी अच्छे से किया जाए, ठीक है, उनको भी advance किया जाए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई इंडिया ने एक 10-point formula दिया था, ठीक है, 10 पॉइंट्स की कुछ लिस्ट दी थी जिसके अंदर बताया गया था कि हम इस चीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हमारी जो सिक्योरिटी है उसको एनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं ऑल ओवर द अराउंड। तो उसमें क्या क्या थे वो थोड़े से पॉइंट देख लेते हैं। टू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑपरेशन द लीडरशिप ऑफ अ पीस कीपिंग फोर्स मस्ट बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड एंश्योर एफिशिएंट कोऑपरेशन विद द होस्ट स्टेट। कि यहाँ पे क्या कहा गया है, जो भी फोर्स के अंदर जाते हैं यूएन की पीस कीपिंग फोर्स के अंदर, उनके अंदर एक तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है, किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए, और ऊपर से जहाँ पे जा रहे हैं, जिस देश के अंदर जा रहे हैं, जिस एरिया के अंदर जा रहे हैं, उस स्टेट के साथ में इनका अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वहाँ के जो लोग हैं या वहाँ की जो सिक्योरिटी है, वहाँ की जो पुलिस है, उनके साथ इनका अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ताकि एक बाहर से जो हेल्प मिलनी होती है ना वो इनको अच्छे रूप से सुचारू रूप से मिलती रहे। कंट्रीज़ पार्टिसिपेटिंग इन पीस कीपिंग मिशन मस्ट डिटरमाइन द एजेंडा नॉट द सिक्योरिटी काउंसिल। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो जो कंट्रीज़ के लोग
जिन जिन कंट्रीज़ के यहाँ पे सोल्जर्स इसके अंदर मिशन के अंदर भाग लेते हैं उनको ये डिटरमाइन करना चाहिए कि एजेंडा क्या है, ठीक है, उनको सोच समझ के चलना चाहिए, ना कि कौन डिसाइड करेगा, सिक्योरिटी काउंसिल मतलब यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जनरल असेंबली है, ना कि वो डिसाइड करे कि करना क्या है। मतलब जिस देश के लोग वहाँ पे ख़तरा उठा के जा रहे हैं, जिस देश के सोल्जर्स वहाँ पे ख़तरा उठा के जा रहे हैं, तो उनको ये हक मिलना चाहिए कि वो डिसाइड करें। विद थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर लिमिट्स पीस कीपिंग मिशन शुड बी डिप्लॉयड सेंसिबली, कि भाई इनको ढंग से सब कुछ हर तरह से सिचुएशन को देख के तब डिप्लॉय करना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे वो दिए गए हैं बाकी के जितने भी पॉइंट्स हैं। ये बेसिकली आपको हेल्प करेंगे कि इसमें मेंस के आंसर राइटिंग में, और तो इसका एक्स्ट्रा कहीं पे होने वाला है नहीं। यहाँ पे बस क्या है कि इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पूछ लेंगे, कब ये लागू हुआ था, या फिर इसका क्या कहते हैं थीम क्या है, ये आ सकता है आपका प्रीलिम्स टाइप के पेपर्स के अंदर। अब ये किसको देख रहा है बताइएगा ज़रूर, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी एंड फॉरेस्ट रिपोर्ट। अकॉर्डिंग टू द फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO की अभी रिसेंट में एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसका क्या नाम है, मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी एंड फॉरेस्ट्री रिपोर्ट। इंटीग्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी इन सच अ प्रोडक्शन फॉरेस्ट इज पैरामाउंट। अभी इसमें क्या है ना, क्या बताया गया है कि इसमें बताया गया है जो भी बायोडाइवर्सिटी है जिसके अंदर हम सब आते हैं, जितने पेड़ पौधे जानवर सब लोग आते हैं, वो हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, उस पर अभी क्या थ्रेट्स, क्या उस पर खतरा आया हुआ है, सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। और उसको ठीक करने के लिए जो भी पॉलिसी है, जो भी स्ट्रेटजी है, जितनी भी पब्लिक प्रैक्टिसेस है, हमको क्या करना चाहिए, उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ठीक है। सबसे पहली बड़ी बात तो, सबसे पहला डर तो यही है डिफॉरेस्टेशन। अभी क्या है, डिफॉरेस्टेशन पेड़ों का कटाव है ना, जितना भी फॉरेस्ट एरिया है उसका कटाव काफ़ी तेज़ स्पीड से हो रहा है, करीबन करीबन 10 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर के हिसाब से पेड़ पौधे यहाँ से काटे जा रहे हैं धरती से। इलीगल फॉरेस्ट एक्टिविटीज़, आपने देखा होगा कई जगह, मूवी भी देखी थी ना अभी वो जो आई थी, आई डोंट नो उसका नाम, मेरे को ध्यान ही नहीं है, इतनी पॉपुलर मूवी रही जिसके अंदर वो पेड़ वेड़ काट के नदी से बहते जा रहे थे ना। देखो इस टाइम पे कभी कभी है ना, जब ज़रूरत होती है तब कोई वर्ड ध्यान नहीं आता, तो आप लोगों ने देखी होगी। तो हाँ, तो इलीगल टिम्बर हार्वेस्टिंग, ठीक है, एक तरह से आप जाली तरीके से, इलीगल तरीके से जो टिम्बर है, जो वहाँ की लकड़ी है, उसकी हार्वेस्टिंग करते हो या फिर उसको काट के बेचते हो, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। करीबन 15-30% ग्लोबल टिम्बर प्रोडक्शन ऐसा हो गया है, ठीक है। लो कंजर्वेटिव प्रोफाइल्स, लो प्रोफाइल ऑफ कंजर्वेशन आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया, ये भी प्रॉब्लम है। अब मान लो किसी एरिया को फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, नेशनल पार्क, सेंचुरी, कुछ भी एक्स वाई जेड डिक्लेयर कर दिया, अब उसका तो प्रॉपर ध्यान रखा जाता है, लेकिन उस एरिया से जितने भी बाहर पेड़ है ना, उनको एज ए प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ के लोग काट देते हैं, तो उनका भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए, उनको भी अच्छे से प्रोटेक्ट करना चाहिए। अभी रिसेंटली एक वीडियो आई थी, आप लोगों ने देखी भी होगी, ओडिशा गवर्नमेंट थी या आई डोंट नो कौन सी थी, उन्होंने एक पेड़ काट दिया, ठीक है, वो रास्ते से पेड़ काटते जा रहे थे, उन्होंने ये तक नहीं देखा इसके ऊपर कितने जीव जानवर रहते हैं, ठीक है, जितने भी पक्षी वगैरह रहते हैं उनके घोंसले वगैरह थे, तो जैसे ही पेड़ वहाँ पर गिरा और वो इतने बेचारे लाचार होके वहाँ पर उधर ही मर गए। तो इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल भी किसी भी तरह से माफ़ करने लायक तो है नहीं। तो ये होती है नेग्लिजेंस के कारण। इनसफिशियंट कैपेसिटी, डेवलपिंग कंट्री स्ट्रगल टू एनफोर्स फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी रेगुलेशन, कि भाई जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे कि हमारी भी डेवलपिंग कंट्री है, वो एक तरह से जो फॉरेस्ट के और जितने बायोडाइवर्सिटी के रूल्स और रेगुलेशन हैं उनको पूर्णतया से लागू करने में सक्षम ही नहीं रहती, वो कहीं ना कहीं रूप होल्स छोड़ देती हैं। लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन अभी देखो क्या है ना, लोकल कम्युनिटी जो वहाँ पे रहती है और जो हमारे जैसे लोग हैं, वो बहुत कम मात्रा में इन चीज़ों के अंदर फॉरेस्ट को लेकर इतने जागरूक नहीं है, उसकी तरफ इतना पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ये हमारी कमी है, इस चीज़ को भी हम सुधार सकते हैं, एटलीस्ट जो हमारे हाथ में हम वो तो कर ही सकते हैं। अब बात करते हैं वीक गवर्नेंस की, जो लॉ एनफोर्समेंट है, यहाँ पे हमने पढ़ाई है कि भाई ढंग से वहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर भी ये ढंग से लागू नहीं करते।
वाई इज़ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन इम्पोर्टेंट, कि भाई ये जंगलों को बचाना क्यों ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। पहली बात तो सीधी सी बात है ये कि फॉरेस्ट जो है, जंगल हैं, वो हमारी जो धरती की मतलब जो हमारा ये पूरा पृथ्वी है इसका 31% एरिया के ऊपर, लैंड एरिया के ऊपर क्या है, फॉरेस्ट है, ठीक है, जो कि करीबन 296 गीगा टन ऑफ कार्बन स्टोर करता है, मतलब उसको क्लीन करता है। एंड होम ऑफ द वर्ल्ड्स टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी, जो ज़मीन पे रहने वाले बायोडाइवर्सिटी है, जीव जंतु हैं उनका घर है। द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट फॉर अबाउट 80% एम्फीबियन स्पीसीज, 75% बर्ड स्पीसीज एंड 68% ऑफ मैमल स्पीसी। इन एडिशन 60% ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स ओकर इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब यहाँ पे वही बताया गया ना, कौन कौन सी स्पीसीज यहाँ पे कहाँ पे रहती है, किन किन का हैबिटेट है ये। तो घर तो ये सबका है, अगर ये कटेगा तो भाई वो धीरे धीरे है ना सबका ख़त्म हो जाएगा। जब जिस दिन है ना ये बिल्कुल पेड़ साफ हो गया ना, उस दिन हमारे घर भी नहीं बचेंगे, हम इस पे सर्वाइव कर ही नहीं सकते इस प्लेनेट पे। तो लास्ट में घर किसका उजड़ेगा, हमारा ही उजड़ेगा और किसी का नहीं उजड़ेगा। द रोल ऑफ फॉरेस्ट इज मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी इज एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2017 to 2030, कि भाई इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया था फॉरेस्ट के रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन ने, तो उसके अंदर ये बिल्कुल मतलब एक तरह से क्या है, बायोडाइवर्सिटी को कैसे मेंटेन करना है और फॉरेस्ट का उसके अंदर क्या रोल है, उन चीज़ों के बारे में रिकॉग्नाइज किया गया, बताया गया है, ठीक है। 2019 में FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ये स्ट्रेटजी मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी अक्रॉस एग्रीकल्चर सेक्टर्स, इसको भी अडॉप्ट किया था। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन इंडिया, इंडिया के अंदर क्या हाल है किसी भी चीज़ के मतलब फॉरेस्ट से रिगार्डिंग, ये है इम्पोर्टेंट हमारे काम का सबसे ज़्यादा। तो हमारे जो स्टेट के एग्ज़ाम हो या फिर सेंटर के एग्ज़ाम हो, वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आएंगे आपके। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट और फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, जो भारत की जो 2021 की फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग जो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर एरिया जो अभी है वो कितना हो गया, 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर, इतने एरिया पे फॉरेस्ट और ट्री कवर है, मतलब पेड़ पौधे हैं और जंगल है। 21.71% ऑफ कंट्रीज जियोग्राफिकल एरिया, मतलब 21% जो जियोग्राफिकल एरिया उस पर क्या है, हमारे पेड़ पौधे हैं, जो कि पहले कितना था 21.67, ठीक है, 0.04% के उसके अंदर इंक्रीज हुआ है। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया किस में है, एरिया वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा एरिया किस में, मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, देन छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा और फिर महाराष्ट्र। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, कौन कौन सी अमेंडमेंट्स किससे फॉरेस्ट वगैरह से रिलेटेड है, तो वो देखते हैं। जो 42वीं अमेंडमेंट एक्ट थी 1976 की, उसके अंदर जो फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, ये ट्रांसफ़र कर दिए थे स्टेट से कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है, कि पहले तो ये किस में थे, स्टेट लिस्ट में थे, जो भी स्टेट के अंडर में आती थी जहाँ पे स्टेट अपना कानून बना सकती थी, लेकिन बाद में इसको निकाल के कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। अब इस पे स्टेट और सेंटर दोनों क्या है वो बना सकते हैं, अपना लॉ बना सकते हैं, क्योंकि भाई देखो जैसे जैसे इकनॉमी बढ़ रही है, देश आगे बढ़ रहा है, सबसे पहला अटैक कहाँ हो रहा है, इन्हीं पे पेड़ पौधों पे ही हो रहा है। तो उसको बचाने के लिए भाई सेंटर भी कठोर कदम उठा सके, किसी स्टेट, कोई भी स्टेट मतलब अपने तरीके से या फिर अपने बेनिफिट के वास्ते किसी भी चीज़ का गलत उपयोग ना करे, इस वजह से इन चीज़ों को स्टेट की लिस्ट से हटा के कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। और उस टाइम पे और क्या क्या डाला गया था कंकरेंट लिस्ट में, एजुकेशन को, वेट और मेजरमेंट्स को, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है जस्टिस का उसको भी कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। अब बात करते हैं DPSP की, जो DPSP में जो आर्टिकल 48A है वो भी स्टेट को क्या मैंडेट करता है कि आप है ना प्रोटेक्ट करोगे और इम्प्रूव करोगे किसको, एनवायरनमेंट को, एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, कि भाई आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करोगे और जितने भी फॉरेस्ट हो उनको भी सेफ गार्ड रखोगे, उनको भी अच्छे से रखोगे, और उसके अंदर जितनी भी वाइल्ड लाइफ है, जो भी जीव जंतु जंतर मतलब सॉरी जीव जंतु हैं या फिर कुछ कोई भी एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, तो उनकी देखरेख की जिम्मेदारी भी आपकी है।
अब बात करते हैं 51A जो कि किस में आती है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आती है। अब फंडामेंटल ड्यूटी किसकी होती है, एवरी सिटीजन की होती है। अब सिटीजन का इस ड्यूटी के अकॉर्डिंग में क्या काम है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। ये हमारी ड्यूटी है कि हम हमारे एनवायरनमेंट को साफ रखें, सुथरा रखें, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करें। जिसके अंदर क्या आता है, फॉरेस्ट भी आते हैं कि भाई जंगलों को हम काटे पीटे ना, है ना, उनके अंदर गंदगी ना फैलाएं, प्लास्टिक ना फेंकें उसके अंदर, और जो वाइल्ड लाइफ है उसको किसी भी तरह से हम डिस्टर्ब ना करें। लोगों को होता है ना, रोड से जाते हैं बाई चांस हाथी जा रहा हो तो वहाँ पे उठ के कई तो रील्स बनाने लग जाएंगे या फिर कोई तो फोटो खींचने लग जाएगा, तो उनकी लाइफ भी जैसे हमारी है वैसे ही पर्सनल रहती है, उसको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अब जो पॉलिसीज़ हैं इंडिया की रिगार्डिंग टू फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी उसके बारे में देख लेते हैं। इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये भी, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। इनको कुछ एक्ट, इनको कुछ क्या है ना, इनके जो राइट्स थे फॉरेस्ट को लेके, जितने भी शेड्यूल ट्राइब्स थी ST, ठीक है, और जो अलग ट्रेडिशनल्स जो यहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर या फिर जो फॉरेस्ट की चीज़ों के ऊपर ही अपना गुजर बसर करते थे, उनकी जो लिस्ट थी या फिर उनके जो राइट्स थे उसके अंदर काफ़ी कुछ बदलाव किया गया था इस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये भी एक तरह से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी देख लेना, ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल ऑफ 2022। वट आर द रिकमेंडेशन ऑफ दिस रिपोर्ट, तो रिकमेंडेशन आप पढ़ लेना, इसमें एज सच ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं, वही बात है कि आप प्लांट्स को बचा के रखें, किसी भी तरह से उसका गलत मिसयूज ना करें, है ना। अब बात करते हैं वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे के बारे में, जो कि रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है 8 अक्टूबर 2022 के अंदर। जितने भी माइग्रेटरी बर्ड हैं, एक जो ये क्या कहते हैं, एरिया से दूसरी जगह पे ये उड़ के जाते हैं, ठीक है, हज़ारों किलोमीटर्स का ये सफ़र तय करके आते हैं, एक कंटिनेंट से दूसरे तक पहुंचते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। इट इज़ अ बाई एनुअल ग्लोबल कैंपेन ऑर्गेनाइज टू रेज अवेयरनेस अबाउट माइग्रेटरी बर्ड्स। एक तरह से हर साल में दो बार ये कैंपेन चलाया जाता है ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस जगाई जा सके कि जो है माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, इनका जो कंजर्वेशन हो कितना ज़रूरी है और ये कितने ज़रूरी है हमारे हैबिटेट के लिए, इनका प्रिजर्वेशन, इनको बचाए रखना हमारे हैबिटेट के लिए कितना ज़रूरी है। ये कब कब सेलिब्रेट करा जाता है, सेकेंड सैटरडे, चाहे वो मई का हो या फिर अक्टूबर का हो, तो साल में दो बार इसको सेलिब्रेट किया गया, पहले 14 मई को और अब 8 अक्टूबर को। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, देखो 14 मई को भी शनिवार था और 8 अक्टूबर को भी शनिवार था, तो सेकंड जो सैटरडे आएगा मई और अक्टूबर का, उसी दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। WMBD, ये शॉर्ट फॉर्म है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे की, इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप अमंग 2 UN ट्रीटीज़, कि जो यूनाइटेड नेशन की 2 ट्रीटीज़ हैं उनके द्वारा ही इसको कोलैबोरेट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो वो कौन कौन सी है, एक तो CMS जो कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज CMS ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड एग्रीमेंट AEWA एंड द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट फॉर अमेरिकाज EFTA, इन सब के द्वारा मिलके इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। 2022 ग्लोबल कैंपेन इज आल्सो बीइंग एक्टिवली सपोर्टेड बाय अदर डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन, और जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उनके द्वारा भी इसको काफ़ी डेडिकेटेडली सपोर्ट किया गया, एक्टिवली सपोर्ट किया गया, इसके अंदर भाग लिया गया। उसमें कौन कौन सा था, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल और ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलिशियन फ्लाई पार्टनरशिप। इसका थीम क्या था, अब की बार द थीम ऑफ द वर्ल्ड इज़ द लाइट पोल्यूशन, मतलब अब की बार बात किस पे की गई थी, लाइट पोल्यूशन पे, कि भाई इसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम होती है इन बर्ड्स को, और वो लाइट पोल्यूशन है क्या प्रॉब्लम। तो पहले यही बात देख लो कि इनको रात को उड़ने में प्रॉब्लम होती है मोस्टली, ये क्या रात को अपना सफ़र तय करते हैं, और आप लोगों ने देखा होगा पहले जो रात को अंधेरा होता है, लेकिन आजकल क्या है, लोग लाइटनिंग का इतना यूज़ करने लगे ना, लाइट्स वगैरह का, तो रात को भी इतना जगमगाती रहती है धरती, उस वजह से इनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है उड़ने में,
ठीक है, इनको अपना जो रास्ता है कई बार तो ये उससे भी भटक जाते हैं। आजकल आपने देखा होगा जो माइग्रेटरी बर्ड्स है ना, उनके रूट्स थोड़े से डेविएट होने लग गए, ठीक है, वो कहीं के कहीं पहुंचने लग गए, जो कि सोचने वाली बात है। मतलब इतने सालों से, काफ़ी पिछले कई हज़ार सालों से वो सेम रूट पे उड़ के आते थे, लेकिन अब वो उनका जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको रात, जब वो उड़ के आते हैं रात को, तो उस टाइम पे उनको काफ़ी इशू होते हैं, कोलिजन विद द बिल्डिंग, बिल्डिंग्स के साथ टकरा जाते हैं, डिस्ट्रप्शन होता है उनको लॉन्ग डिस्टेंस को कवर अप करने में, ठीक है। तो यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में बात करी गई। वट इज़ द लाइट पोल्यूशन, ठीक है, एज पर सी एम एस हमने देखा था ना, यहाँ पे ये रहा कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, इनके अकॉर्डिंग लाइट पोल्यूशन क्या है? लाइट पोल्यूशन रेफर टू द आर्टिफिशियल लाइट दैट अल्टर्स द नेचुरल पैटर्न ऑफ लाइट एंड डार्कनेस इन इकोसिस्टम। कि भाई जो नेचुरल पैटर्न है ना लाइट का, जैसे कि चांद की रोशनी, ठीक है, ये उसको, उसके साथ क्या है, एक तरह से छेड़छाड़ कर देता है। नीचे से भी जो धरती की जो लाइट है और जो चांद की जो रोशनी होती है, उससे क्या है ना, काफ़ी प्रॉब्लम में, मतलब इनको उलझन हो जाती है एक तरह से, आप सिंपल वे में ये मान लो, ठीक है। एक जो नेचुरल वे होता है ना किसी भी चीज़ का, उसको क्या है ना, ये अल्टर कर रही है, उसको रोक रही है, उसको ख़राब कर दे रही है। द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल लाइट एट नाइट इज़ इंक्रीजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये भाई हर साल बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। 2012 से लेके 2016 तक करीबन 2.2% ये पर ईयर के हिसाब से बढ़ता जा रहा है, ठीक है। टुडे मोर देन 80% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव अंडर ए लिट स्काई, कि भाई 80% से ज़्यादा चमकते हुए ये जो स्काई है ना, इसके अंडर में रहती है करीबन, ए फिगर क्लोजर टू 99% यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, कि भाई इसमें सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के अंदर। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है बर्ड्स के ऊपर लाइट पोल्यूशन का, ठीक है, इट कैन अल्टर्स बर्ड्स बिहेवियर, बर्ड्स के जो बिहेवियर है उसको चेंज कर सकता है, इंक्लूडिंग उसका माइग्रेशन कि कहाँ पे जा रहा है, और ऊपर से जो उनका कम्युनिकेशन होता है, वोकल कम्युनिकेशन, तो वो भी इससे क्या है, बिगड़ जाता है। इट कैन आल्सो अफेक्ट देयर एक्टिवली लेवल्स एंड देयर एनर्जी एक्सपेंडिचर, स्पेशली दोज विच माइग्रेट एट नाइट, कि भाई जो रात को माइग्रेट करते हैं ना, तो उनके जो एनर्जी और जितना वो एक्टिवली होके उड़ते थे, उसको भी काफ़ी क्या कर सकता है, इफेक्ट करता है। इट अट्रैक्ट्स एंड डिसओरिएंट्स नॉक्टर्नली माइग्रेटिंग बर्ड्स, नॉक्टर्नली मतलब जो रात को जागते हैं, ठीक है, तो जो रात को माइग्रेट करते हैं ना बर्ड्स, उनको भी काफ़ी तरह की प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है। ये जो जगमगाते एरिया है ना, वो इनकी आंखों के सामने ऐसे सर्कलिंग क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये रास्ता भटक जाते हैं। दिस अननेचुरल लाइट इंड्यूस्ड बिहेवियर कैन मीन्स दे एंड अप डिप्लीटिंग देयर एनर्जी रिजर्व्स एंड पुट देम एट रिस्क ऑफ एग्जोशन, प्रीडेशन एंड लीथल कोलिजन। कि यहाँ पे क्या बात करा गया है कि भाई जो ये बेकार की जो नीचे से एनर्जी आती है, जो लाइट होती है ना, इसकी वजह से जो इनकी, इनको सोचने समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ऊपर से जो इनकी एनर्जी होती है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि उड़ने की बजाय ये फिर अपने रास्ते ढूंढने में लगा देते हैं, कई बार गलत रास्ता डेविएट कर जाएं तो उस वजह से क्या है, ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं, या फिर अगर कहीं गिर गए, कहीं बैठ गए, तो इनका शिकार भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी प्रीडेट कर सकता है, प्रीडेटर बैठा हो वहाँ पे, या फिर लीथल कोलिजन, मतलब अगर चौंधिया गए तो किसी बिल्डिंग में जाके टकरा भी सकते हैं, या किसी भी चीज़ में टकरा जाएं, वायर हो गई या कुछ भी हो गया, तो उससे क्या है, इनकी मौत भी हो सकती है। और वैसे ही इनका नंबर, इसी वास्ते इनका नंबर है ना, दर बदर हर साल बहुत कम होता जा रहा है। और ऊपर से जो लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेटरी बर्ड होते हैं, जो कई हज़ार किलोमीटर से दूसरे कॉन्टिनेंट से, जैसे हमारे भारत के अंदर भी कई जगह पे आते हैं ना, तो उनके बारे में भी बात करी गई है, जिसमें सच एज कौन से थे, ब्लैक पोल वार्बलर, एशियन सबटेल्स और ओरिएंटल प्लोवर में स्टार्ट एंड एंड देयर माइग्रेशन इन एरियाज विच विद रिलेटिवली लो लेवल्स ऑफ लाइट पोल्यूशन। ये उन्हीं जगहों पे जाते हैं, उन्हीं एरियाज में ट्रैवल करते हैं, जहाँ पे जो लाइट का, जो लाइट पोल्यूशन का जो लेवल है ना, वो कम से कम हो या फिर बिल्कुल ही ना हो, तो उधर ही सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, ठीक है। वट इज़ द कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज CMS और द बोन कन्वेंशन, अब ये है क्या, इट इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट एम टू कंजर्व
माइग्रेटरी स्पीसीज थ्रू आउट देयर रेंजेस, कि भाई जो जिन जिन देशों ने इसको एक्सेप्ट कर रखा है, इसको साइन कर रखा है, तो उनका काम क्या है कि जो उनके एरिया में जो जो ये स्पीसीज है माइग्रेटरी बर्ड्स की, तो वो उसको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, कंजर्व करेंगे, ठीक है। द एग्रीमेंट वॉज साइन अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अंडर में इस कन्वेंशन को इन देशों के द्वारा साइन किया गया है, ठीक है। इट वॉज साइंड इन 1979 इन बोन, बोन नाम की एक जगह है वेस्ट जर्मनी के अंदर, तो वहाँ पे इसको सबसे पहले साइन किया गया था, तो इसीलिए इसको बोन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। और जो इसका ओरिजिनल नेम क्या है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज CMS। और ये फिर फोर्स कब हुआ था, मतलब इसको लागू कब किया गया, 1983 में। इंडिया इसका सिग्नेटरी है, ठीक है, इंडिया ने भी इसको साइन कर रखा है, तो जो इसकी जो कंडीशन है वो इंडिया पे भी लागू होती है। इंडिया होस्टेड द CMS कोप 13, जो इसकी जो मीटिंग हुई थी, ठीक है, जो 2020 के अंदर हुई थी, वो इंडिया ने होस्ट करी थी, कहाँ पे, गांधीनगर गुजरात के अंदर। इंडिया हैज़ आल्सो लॉन्च द नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज अंडर द सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज, ठीक है। इस स्कीम के अंडर में इंडिया ने एक तरह का नेशनल एक्शन प्लान भी स्टार्ट किया था इन स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए। इंडिया इज़ टेम्प्रेरी होम टू सेवरल माइग्रेटरी एनिमल्स और बर्ड्स, तो भाई एक तरह से इंडिया टेम्प्रेरी होम है कई ऐसे बर्ड्स और एनिमल्स का, क्योंकि इंडिया में आपने देखा होगा कि भाई जैसे ही मौसम अच्छा होना स्टार्ट होता है तो यहाँ पे बर्ड्स माइग्रेट करने लग जाते हैं, तो वो यहाँ के मेंबर्स तो नहीं है, मतलब इस हमारे देश में उनका मतलब कोई ऐसे रहने का परमानेंट वो नहीं है, वो यहाँ पे माइग्रेट करते हैं, कुछ टाइम यहाँ पे रुकते हैं और फिर यहाँ से वापस चले जाते हैं। और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अमूर फैल्कन्स हो गया, ठीक है, बार हेडेड गीज हो गया, ब्लैक नेक्ड क्रेन्स हो गया, मरीन टर्टल्स, डुगोंग्स, इसके बारे में पढ़ना ये इम्पोर्टेंट है, डुगोंग्स क्या होती है, हमबैक वेल्स, तो इन सब के बारे में ये इंडिया के अंदर ही होते हैं, मोस्टली आते हैं यहाँ पे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ मेजर बर्ड फ्लाईवे नेटवर्क, कि भाई इंडिया से होते हुए काफ़ी तरह के बर्ड्स यहाँ से हमारे एरिया से होके गुजरते हैं, ठीक है। अब जो आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ये है इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज, जिसका क्या नाम है, महेसना, ठीक है, महेसना डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जो कि कहाँ पे, गुजरात के अंदर, और गांव का नाम क्या है, मोधेरा। इसकी एक खुद की अपनी एक हिस्ट्री है, तो उसको भी पढ़ेंगे। ये आपने देख लिया, ये पूरे गांव के अंदर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, 100% सोलर के ऊपर अब ये गांव चलता है, मतलब कि ग्रीन एनर्जी, बिल्कुल क्लीन एनर्जी। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं जो फिलहाल प्राइम मिनिस्टर हमारे, इन्होंने डिक्लेयर किया मोधेरा को ए विलेज इन द महेसना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात एज इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज। व्हाट इज़ द की हाइलाइट्स ऑफ इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज, इसकी हाइलाइट्स क्या है, मोधेरा विलेज के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, इस गांव में स्पेशल है क्या। इट इज़ फेमस फॉर इट्स सन टेम्पल, ठीक है, ए प्रोटेक्टेड एंशियंट साइट, जो सन टेम्पल है वो क्या है ना, इसी गांव के अंदर है, ठीक है, वो एक तरह की प्रोटेक्टेड एंशियंट साइट है, पुराने समय की हमारी ऐसी साइट है जिसको प्रोटेक्ट किया गया है, विच इज़ सिचुएटेड ऑन द रिवर पशुपति रिवर के ऊपर ये सिचुएटेड है। किसके द्वारा बनवाया गया था, किंग भीमा वन, जो कि चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, कौन से समय में, 1026 से 1027। तो ये पढ़ लेना भाई, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन यहीं से आते हैं, जो आपके मेडाइवल हो गया या फिर एंशियंट हिस्ट्री होगी तो वहाँ के क्वेश्चन ऐसे ही नहीं आते, उनका रिलेशन होता है अपनी करंट अफेयर से कहीं ना कहीं, जैसे कि मोधेरा विलेज हो गया, तो अब कहीं ना कहीं आपसे आगे जाके पूछा जा सकता है सन टेंपल के बारे में, या फिर इस किंग के बारे में ज़्यादा पूछा जा सकता है कि कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, या फिर सन टेंपल कौन सी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, तो और इस तरह से क्वेश्चन आपके अराइज होते हैं, तो इसके ऊपर स्पेशल आप ध्यान रखिएगा। द टेम्पल विल एक्वायर अ 3D प्रोजेक्शन फैसिलिटी, भाई इस टेम्पल के ऊपर क्या है, यहाँ पे 3D प्रोजेक्शन फैसिलिटी एक्वायर करिए, विच इन्फॉर्म्स द टूरिस्ट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मोधेरा, कि भाई इस गांव की क्या हिस्ट्री है उसके बारे में इस प्रोजेक्टर के ऊपर बताया जाता है, प्रोजेक्शन जो चलती है वहाँ पे इसको दिखाया जाता है। सोलर पावर जनरेशन, द सोलर पावर विलेज वुड बी सेल्फ सफिशियंट इन सोलर एनर्जी जनरेशन एज इट विल यूटिलाइज
1000 सोलर पैनल्स, 1000 सोलर पैनल वहाँ पे गांव के अंदर इंस्टॉल किए गए हैं ऑन विलेज हाउसेज, गांव की जो जितने भी घर हैं उनके ऊपर, और वहाँ पे हर टाइम राउंड द क्लॉक बिजली जनरेट होती रहती है, ठीक है। इट इज़ डेवलप्ड थ्रू ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट एंड मोर देन 1300 रूफ टॉप सोलर सिस्टम ऑन रेजिडेंशियल एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स ऑल इंटीग्रेटेड विद बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS। ऐसे ही क्या है ना, 13 रूफ टॉप सोलर सिस्टम्स भी रेजिडेंशियल और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर भी लगाए गए हैं, जो कि किससे कनेक्ट है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, BESS। BESS इज अ टाइप ऑफ एनर्जी स्टोरेज सिस्टम दैट यूजेज बैटरी टू स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका बेनिफिट क्या है, सीधी सी बात है, रिन्यूएबल एनर्जी हमको मिलेगी, है ना, हमको किसी भी तरह की मतलब क्या कहते हैं, जो कभी मतलब डिफरेंट डिफरेंट वे से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है, पावर प्लांट से बनती है, या फिर जहाँ पे झरने लगे होते हैं वहाँ पे भी हम पानी से भी बिजली को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो उन वे से ना होते हुए हमको डायरेक्ट सूरज से एक फ्री और बिल्कुल क्लीन एनर्जी मिलती रहती है, तो वहाँ इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और इससे क्या, इट विल एनहेंस द सस्टेनेबल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस वेलफेयर प्रोजेक्ट इन द एरिया। रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया विल एबल टू सेव 60-100% ऑफ देयर इलेक्ट्रिसिटी बिल। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया। इंडिया के अंदर सोलर एनर्जी का स्टेटस क्या है, अभी ये है हमारे काम का, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांस बनेंगे। इंडिया के अंदर द इंस्टॉल्ड सोलर एनर्जी कैपेसिटी हैज़ इंक्रीज 19.3 टाइम्स, 19.3 टाइम बढ़ गई है पिछले 8 साल के अंदर, ठीक है। और अभी कितनी है, 56.6 गीगावाट हम सोलर एनर्जी से सोलर से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट करते हैं। फर्दर इंडिया हैज़ सेट एन एम्बिशियस टारगेट टू अचीव अ कैपेसिटी ऑफ 175 गीगावाट वर्थ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय द एंड ऑफ 2022। 2022 के अंत तक इसको ख़त्म होते होते हमको कितनी अचीव कैपेसिटी अचीव करनी है, 175 गीगावाट, और 500 गीगावाट अचीव करनी है 2030 तक, ठीक है। रिसेंटली मोदी जी ने इसका अनाउंसमेंट किया था, और किस टाइम पे किया था, कौन सा दिन था, कौन सा ऐसा स्पेशल डे था उस दिन, ऐसा क्या था जब उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये कुछ गोल्स वहाँ पे मोदी जी ने बताए थे कि भाई इतना परसेंट हम कार्बन ख़त्म कर देंगे इस टाइम तक, ठीक है, और इतनी हम रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करेंगे इस टाइम तक, तो वहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताना है। और ये जितने भी लेक्चर्स हैं इनकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगी, जिसका लिंक कहाँ पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ तक आप वीडियो देखते हुए पहुँच गए तो प्लीज़ एक बार इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। India was the second largest market in Asia for a new solar PV capacity and third globally। कि भाई एशिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट मार्केट है इंडिया सोलर पैनल्स के अंदर, और पूरे वर्ल्ड के अंदर देखा जाए तो तीसरे नंबर पे। इट रैंक्ड फोर फॉर द टोटल इंस्टॉलमेंट ओवरटेकिंग जर्मनी। कि भाई इंस्टॉलमेंट के मामले में देखें तो 60.4 गीगावाट हम अभी टोटल इंस्टॉल कर चुके हैं, जो कि अब किस पे चौथे नंबर पे आ गए, किसको ओवरटेक किया है हमने रिसेंटली, जर्मनी को पहली बार। एज ऑफ जून 2022 गुजरात और राजस्थान वर द टॉप स्टेट ऑफ लार्ज स्केल सोलर अकाउंटिंग फॉर 53%। भाई राजस्थान तो 53% एनर्जी जनरेट करता है सोलर से, और 14% कौन जनरेट करता है, गुजरात, और जो 9% जनरेट करता है वो करता है महाराष्ट्र। ये आपको है ना पीडीएफ के अंदर अच्छे से दिख जाएंगी, अभी स्क्रीन में ये थोड़ा सा कट होके आ रही है। रिलेटेड इनिशिएटिव सोलर पावर स्कीम्स, सोलर पार्क स्कीम। द सोलर पार्क स्कीम प्लान टू बिल्ड अ नंबर ऑफ सोलर पार्क्स। कि भाई बहुत सारे नंबर्स के अंदर सोलर पार्क्स को बनाया जाएगा, जिनकी नियरली कैपेसिटी कितनी होगी, 500 मेगावाट, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर इनको इंस्टॉल किया जाएगा। रूफ टॉप छतों के अंदर भी सोलर पावर्स सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया जाएगा। अटल ज्योति योजना, द अजय योजना, मतलब शॉर्ट फॉर्म के अंदर अजय बोलते हैं इसको, अजय स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन सेप्टेम्बर 2016 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ स्ट्रीट लाइट्स सोलर पैनल्स। जिस वो जो स्ट्रीट लाइट आपने देखो देखी होगी ना, गलियों में लाइटें लगी हुई हैं और उनके ऊपर छोटी सी सोलर का पैनल लगा हुआ है, तो वो किस स्कीम के अंडर में आता था, अटल ज्योति योजना या फिर अजय योजना, इसके अंडर में आता था, स्टेट्स के अंदर इसको लागू किया गया था।
with less than 50% household crowded with grid power. सेंसस एज पर सेंसस 2011 नेशनल सोलर मिशन, जिसके अंदर गवर्नमेंट क्या है अलग अलग बड़े बड़े मेजर इनिशिएटिव लेगी और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी प्रमोट करेगी कि भाई आप इस क्लीन एनर्जी के ऊपर क्या है ना खुद को लेके जाओ, ठीक है। सृष्टि स्कीम, सस्टेनेबल रूट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोलर ट्रांसफिग्रेशन ऑफ इंडिया, इसके अंदर भी क्या है सोलर रूफ टॉप लगाए जाएंगे छतों पर घरों पर, और इसके अंदर चैलेंजेस क्या आएंगे कि भाई जो करंट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है अभी इंडिया की वो है 500 गीगावाट पर ईयर, इतने मतलब 500 गीगावाट एनर्जी हम जनरेट कर सके अभी इतने ही क्या है मॉड्यूल्स हम क्या कर रहे हैं मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं, और इसको सॉरी वेयर इज़ द डोमेस्टिक, हाँ मैन्युफैक्चरिंग तो इतनी है लिमिटेड है 15 गीगावाट, और जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो करीबन कितनी है 3.5 गीगावाट की। फर्दर आउट ऑफ 15 गीगावाट ऑफ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ओनली 3 to 4 गीगावाट्स ऑफ मॉड्यूल्स आर टेक्नोलॉजिकल कम्पिटिटिव एंड वर्दी ऑफ डिप्लॉयमेंट इन ग्रिड बेस्ड प्रोजेक्ट, कि भाई बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर 3 to 4 गीगावाट के जो मॉड्यूल्स हैं उन्हीं को लगाया जा सकता है। रॉ मटेरियल की कमी है, जो सिलिकॉन वेफर जो इसके ऊपर परत लगती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल है और इंडिया के अंदर उसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, इस वजह से करंटली 100% सिलिकॉन वेफर्स उसको इंडिया के अंदर इंपोर्ट करना पड़ता है और करीबन 80% इसके सेल्स को इंडिया के अंदर इंपोर्ट करना पड़ता है, तो इस वजह से भी ये थोड़ी सी महंगी है। अदर की जो रॉ मटेरियल्स हैं सच एज सिल्वर, एल्युमिनियम, मेटल पेस्ट, ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट्स को बनाने में, वो भी 100% इंपोर्ट किए जाते हैं। इन एफिशिएंसी इन सोलर पीवी सेल्स, द यूटिलिटी स्केल सोलर पीवी सेक्टर कंटिन्यूज टू फेस चैलेंजेस लाइक लैंड कॉस्ट, हाई आरएनडी टीएनडी लॉसेस एंड अदर इनएफिशिएंसी एंड ग्रिड इंटीग्रेशन चैलेंजेस, मतलब कि एक तरह से हर एक चीज़ में हमको वहाँ पे क्या है ना कई बार अगर ग्रिड में लगाने हैं बड़ी मात्रा में लगाने हैं तो हमको क्या है ना जो जगह है वो काफ़ी महंगी मिलती है, तो कई तरह के हमको क्या है चैलेंजेस का फेस करना पड़ता है। इशू रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी, देर हैज़ आल्सो बीन कॉन्फ्लिक्ट विद द लोकल कम्युनिटी एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन नॉर्म्स, कि भाई जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं बड़ी मात्रा में वो किसी जगह पे लगाने नहीं देते कि अब तक वहाँ पे जंगली जानवर की आवाज़ आई हो, तो बायोडाइवर्सिटी में भी ये थोड़ा सा इशू हो जाता है इसको लेके। प्राइसिंग इशू, कि भाई देखो इंडिया के अंदर क्या है जो इट वाइल इंडिया हैज़ अचीव्ड रिकॉर्ड लो टैरिफ फॉर सोलर पावर जनरेशन इन यूटिलिटी स्केल सेगमेंट, दिस हैज़ नॉट ट्रांसलेटेड इनटू चीपर पावर फॉर एंड कंज्यूमर्स, कि भाई देखो ये जितनी भी चीज़ें हमने देखी ये बाहर से इंपोर्ट होती है और इंपोर्ट हो के जब ये बिल्कुल रेडी टू यूज़ हो जाती है मैन्युफैक्चर हो के इंडिया के अंदर तब इनका जो रेट होता है वो काफ़ी हाई चला जाता है, तो एंड यूज़र को है ना ये कहीं से सस्ती नहीं पड़ती, स्टार्टिंग में तो नहीं पड़ती। तो ये थे आज के चैप्टर्स, कैसे लगे प्लीज़ मेरे को बताइएगा, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा जो आपके ग्रुप्स हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ में, कोई सजेशन हो या फिर मैंने कुछ गलत बताया तो कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइएगा। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी जिसका लिंक कहाँ पर मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इसके साथ ही बाकी की और क्लासेस भी हैं जैसे कि इंडियन हिस्ट्री के बारे में मैंने क्लास ले रखी है जिसके अंदर पूरी बुक मैंने कंप्लीट करवा रखी है बिपिन चंद्रा, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो बताइएगा कैसी लगी क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।